मेरठ उत्तर प्रदेश, देखो देखो यह सीवर के ठेकेदारों का हाल, जनता और व्यापारियों का कर दिया है बुरा हाल। मेरठ दिल्ली गेट गांधी मार्ग जिया सूज के पास सीवर की लाइन पर घटिया निर्माण जो पाइप डाले जा रहे हैं उन पर इतने हल्के तार लगे हुए हैं कि पाइप नीचे से लगाने के बाद जब मिट्टी डाली जाती है तो पाइप टूट जाते हैं। इसी कारण वंश यहाँ पर घटिया निर्माण और जनता और व्यापारियों को मरने के लिए छोड़ दिया है। यह गड्ढे पिछले 8 दिनों से पड़े हुए हैं जिसमें लगभग रोजाना 2 से 3 बाइक वाले एक्टिवा वाले दिन प्रतिदिन गिरते हैं। बच्चों के चोट लग जाती है और व्यापार बिल्कुल चौपट कर दिया है। 2 महीने से न उनके पास कोई साधन है पर्याप्त कार्य करने का। आज हमारे संवाददाता जिया सूच पर पहुंचे, वहां पर जनता और व्यापारियों का वर्जन लिया। आप देख सकते हैं वह बता रहे हैं कि यहां पर बिल्कुल भी कार्य सही से नहीं चल रहा है। ब्रह्मपुरी में रोजाना पानी भर जाता है क्योंकि इन्होंने जो मिट्टी थी गड्ढे करे थे वह पुलिया से मिट्टी भर दी। उसके कारण 8-10 दिन से रोजाना विवाहपुरी में पानी भर जाता है। सफाई कर्मी अपना कार्य पूरी तरह से कर रहे हैं, वह प्रतिदिन सफाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यह सीवर के निर्माण वाले नहीं कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं जनता और व्यापारियों का वर्जन और एक आइडियो भी आप देख सकते हैं इंजीनियर साहब अपने वर्जन में क्या कह रहे हैं। मेरठ मंडल ब्यूरो सुशील रस्तोगी की खास रिपोर्ट। अखंड इन न्यूज 24 मंडल ब्यूरो सुशील रस्तोगी। आज हम सर्वे करने निकले हैं जो पाइप लाइन सीवर लाइन चल रही है मेरठ में, और हम यहाँ पहुँचे हैं जिया सूच के सामने, ब्रह्मपुरी का मोड़ है। यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से गड्ढा छोड़ा हुआ है, और जो पब्लिक का कहना है ये कहना है कि जो पाइप इन्होंने डाल रहे हैं वो बिल्कुल धार वाले पाइप हैं जो मट्टी भरते समय ही टूट जाते हैं, और जनता इतनी त्रस्त है कि रोज इसके अंदर गड्ढों में रोजाना बाइकें और स्कूटर वाले गिरते हैं। अभी व्यापारियों ने इसको लगाया है अपने पास से, रोजाना छोड़ हो जाती है, ब्रह्मपुरी में भर जाता है पानी जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आपका नाम भाई साहब? आपका नाम जी? मेरा नाम गोविंद है सर। ये बताइए कि ये कार्य कैसे चल रहा है? जो ये सर बिल्कुल घटिया चल रहा है, यहाँ पर आते हैं घटिया घटिया तार लगाए हुए हैं जिसमें कि यहाँ पर पाइपलाइन का ये बार बार लीकेज होने की शिकायत होती है, और यहाँ पर तार भी इन बीएसएनएल वालों ने बिल्कुल गलत तरीके से यूज़ कर रखे हैं। यहाँ पर आए दिन हम लोगों को प्रॉब्लम होती रहती है, जहाँ की हमारी दुकान है यहाँ पर हम ये यहाँ के हमारे बाजार व्यापारी लोग खड़े हुए हैं। आपका क्या कहना है भाई साहब? यहाँ पर जितना भी कार्य चल रहा है वो टोटल बेकार चल रहा है, घटिया मटेरियल लग रहा है, और यहाँ आए दिन आज से एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज कितने एक्सीडेंट हुए? आज लगभग 3 से 4 एक्सीडेंट हुए हैं। रोज क्या चोट ज्यादा आई? एक की टांग में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। एक तो परसों मरते मरते बच गया। आपका नाम? कुलदीप जी। आप कहाँ रहते हो? आप बताएं जी। हमारा नाम राम कुमार है। ये बताएं जी। आप बताएं। आप अभी कार्य हो रहा है, जितने भी यहाँ आने जाने वालों को सबको परेशानी हो रही है। आप बताएं। बिल्कुल समाधान सबको है, लेकिन है सबके समाधान के लिए। मतलब मुझसे की बात की है, समस्या है कुछ दिन की है, समाधान उसका हो जाएगा। आप कहाँ कहाँ से बोल रहे हैं? ब्रह्मपुर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ब्रह्मपुरी शिव शक्ति नगर में रहता हूँ मैं। अच्छा, हमें भी रोज के निकलने की दिक्कत है। यहाँ पानी भरता है इसके कारण? बिल्कुल भरता है जी। तो कितने दिन से पानी भर रहा है? कुछ दिन से भर रहा होगा, 2 या 4 दिन के लिए, लेकिन ये ढलान पे है। नहीं, ये बताएं, ये जो पुलिया डली है इसकी जो मिट्टी निकल गई, मिट्टी निकल गई इसकी, किस वजह से पानी भर रहा है? इसकी मिट्टी निकल चुकी है, धीरे धीरे निकल रही है। नहीं, पानी अब 4 दिन से भर रहा है, इसका मतलब सफाई नहीं हुई पुलिया की? पुलिया की सफाई हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। हम खड़े हैं ब्रह्मपुरी के चौराहे पर, जहाँ पर ब्रह्मपुरी क्षेत्र में गली जा रही है शास्त्री की कोठी तक। जैसा कि आपने देखा, पब्लिक और व्यापारी का बताया कि घटिया निर्माण और ठेकेदार और इंजीनियर अपनी मनमानी चला रहे हैं और कोई काम करने नहीं दे रहे। सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक, एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक,
मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक, जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश। यहाँ हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज, खबरें नहीं खबरों का सटीक विश्लेषण। जो कि आप देख रहे हैं अखंड न्यूज़ 24।